गुड मॉर्निंग राम राम। मंडे मंडे जो होता है, ये अभी तक मेरा ऐसा मानना था कि यार शिवम मंडे को कभी भी ना कोई भी चीज़ें लेट नहीं होनी चाहिए, मंडे को सारी चीज़ें टाइम पे होनी चाहिए, नहीं तो पूरा हफ्ता खराब जाता है। ऐसे ही ऐसा घर पे बोलते हैं ना कि साल का पहला दिन है, कुछ प्रोडक्टिव करो, वैसे मैं मंडे को अपना पहला दिन मानता हूँ कि अगर मंडे अच्छा रहा तो पूरा हफ्ता सही जाएगा। मैं ईयर एंड के लिए वेट नहीं करता हूँ, मेरा मंडे ही रहता है सब कुछ। आज मंडे है, अभी इसी धारणा को लेके अगर चलें तो आज आई एम लेट, और अगर इसी लेट होने की वजह से अगर मैं सोच में ज़्यादा पड़ जाऊँगा, अरे यार लेट हो गए, सारे काम छूट रहे हैं, ये वो, तो ये पूरा दिन भी बेकार जाएगा। फिर थोड़े समय बाद मुझे समझ में आया कि ये जो आपकी सोच है ना, ये सब करवा देती है। आपने जहाँ सोच लिया कि मैं लेट हो गया हूँ, काम थोड़ा इधर उधर टाल देता हूँ, ठीक है लेट तो ऑलरेडी हो ही गया हूँ, अब कर ही लेते हैं, लेट हो गए हैं तो बस गए, यहीं पे ही आप गए। फिर आपका ट्यूसडे भी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी यार, मेरे को ये आदत सुधारनी पड़ेगी। आप लोगों ने कमेंट में बोला है कि भैया गैस बंद किया करो छानते समय, आई एम सॉरी, आज मैं फिर से भूल गया, लेकिन अब से ये गलती नहीं होगी। हाँ तो मैं कह रहा था मंडे 10 में से 7, मैं कह रहा था अगर ऐसा सोच लोगे तो होगे ही होगे, पूरा दिन आपका खराब जाएगा, ट्यूजडे भी खराब होगा और धीरे धीरे पूरा हफ्ता। लेकिन अगर आप ऐसा सोच लोगे कि क्या हो गया, चलो थोड़ा सा तो लेट हुए हैं ना, बचा है ना पूरा दिन, उसको एस करेंगे, उसको बहुत बढ़िया बनाएंगे हम, तो शायद उस दिन आप ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर लो। कभी कभी हमारा मन नहीं भी हो रहा होता है किसी चीज में, तब भी हम उसमें थोड़ा सा अपना ये स्टेट ऑफ माइंड बदल के थोड़ा सा खुश होके उस काम को करने लग जाते हैं, उस दिन का काम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। ठीक है, ऐसा हुआ है क्या आपके साथ कभी? मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, किसी दिन आई एम नॉट फीलिंग गुड, पर तब भी मैं खुद को पुश करता हूँ कि कर, क्योंकि ये तेरा काम है, तेरे को ही करना है, मैं उसको करने लग जाता हूँ, और उस दिन बाकी जो अच्छे दिन है उनसे भी ज़्यादा प्रोडक्टिव काम हो जाता है। अब मैं आज सच में इतना लेट हूँ कि अभी टाइम हो रहा है 8:12, ठीक है, मैं 7:30 पे उठा था, और मुझे कार्डियो, इस समय मेरा कार्डियो हो जाता है जिम में जाके, और मैं घर आ जाता हूँ वापस। अब मैं ये सोच में पड़ गया था अभी चाय बनाते समय कि यार जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बट स्टिल हम कार्डियो करेंगे। मैं आज धूप में जाके वॉक करूँगा, धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है, दिखाता हूँ। ये देखो कितना प्यारा सनराइज हुआ है, ठीक है, और ऐसी ही हल्की धूप में आपको डी मिल जाता है, ठीक है, विटामिन डी, तो लेकिन वो पूरे नंगे पुंगे, लेकिन मैं तो बस ऐसे ही जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है। आपको पूरे कपड़े खोल के धूप में लेटना पड़ता है अगर सही से एब्जॉर्प्शन चाहिए विटामिन डी का, तो आज मैं इधर या फिर इधर सामने गार्डन है वहाँ वॉक करूँगा, नहीं तो छत पर वॉक करूँगा, लेकिन आधा घंटे का हम वॉकिंग वाला कार्डियो आज करेंगे, और वॉकिंग वाला कार्डियो करेंगे तो थोड़ा सा एनर्जी कम बर्न होगी, जिसको आज है हमारा लोअर बॉडी उसमें लगाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे आधा घंटा हम वॉक करेंगे और उस वॉक के बाद खाएंगे, और आज मेरे को ना अपनी कार में कुछ एक मोबाइल होल्डर लगाना है, और उसके लिए भी मुझे एक जगह जाना पड़ सकता है। अभी आई एम नॉट डैम श्योर अबाउट इट कि मैं जाऊंगा कि नहीं, अगर मेरे जिम रूटीन के बीच में आएगा ये तो फिर मैं ये प्लान ड्रॉप कर दूंगा, संडे वनडे देखेंगे, लेकिन अभी हमारी जो प्रायोरिटीज सेट हैं उनको हमेशा प्रायोरिटाइज ही करेंगे, चाहे कितने भी बड़े से बड़े काम आए, कितने भी छोटे से छोटे काम आए। चलो मैं वॉक करता हूँ थोड़ी देर, इज डन। वॉकिंग में कोई पसीना नहीं आता, बट यू आर स्टिल बर्निंग कैलोरी, उसी तरीके से जैसे आप जब एक्सरसाइज करते हैं और सोरनेस नहीं होती है, बट यू आर स्टिल बिल्डिंग मसल्स। दिस इज सुपर विलन टी शर्ट। अभी इसको सुपर विलन क्यों कहते हैं, ये यंग एले बाहर के चोचले हैं यूएसए यूएस वालों के, क्योंकि इसमें ऐसी ये स्ट्राइप्स दी है, ये थोड़ा सा वो कैप्टन अमेरिका वाला फील दे रहा है, आपकी बॉडी पे वैसा फील देता है, ठीक है, ये ऐसी वाली, ये जो स्ट्राइप्स दिख रही है ना, ये तो इसलिए शायद ये सुपर हीरो है, मतलब दो इनके लाइन है टी शर्ट के, सुपर विलन टी शर्ट, सुपर हीरो टी शर्ट। अब ये पता नहीं कौन सा वाला है, पर ऐसे ही कुछ इनकी थीम है, तो आई एम रेडी फॉर माय कमजोर कड़ी, इनको ट्रेन करने के लिए लेट्स गो। हाँ तो भाई लेट्स
डिसाइड अवर वर्कआउट फर्स्ट। आज मैं घर से ही सोच के आया हूँ कि मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे आके अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। आज मैं करूँगा अपने क्वाड्स को ट्रेन सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन से, लेग एक्सटेंशन से, और आज मैं करूँगा डेडलिफ्ट से चालू वर्कआउट। तो लोअर बॉडी की स्टार्टिंग होगी डेडलिफ्ट से, देन लेग एक्सटेंशन, उसके बाद हैमस्ट्रिंग कर्ल, और उसके बाद टो रेजेस काफ रेजेस ले लेंगे, और फिर एक एप्स की करके ख़त्म कर देंगे। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि मुझे अपनी नी को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है, नी हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ यहाँ जो पेन है, नी में जो पेन है, ये बढ़ रहा है, ये रिकवरी नहीं हो पा रही है। इस वजह से हम जो मेजर लिफ्ट्स हैं उनको दो सेशन के लिए अभी कम रखेंगे। अब अगर नेक्स्ट सेशन में मैं लेग्स के अगर सही फील करता हूँ अपने नीज़ में, तो फिर मैं एक सुमो स्क्वाट लूँगा जैसे पिछली बार ली थी कम रेंज ऑफ मोशन में, लेकिन आज मेरी औकात सुमो स्क्वाट की भी नहीं है। दिस इज़ माई मेन सेट पार्ट वन। दो सेट लेंगे, नहीं तीन सेट लेंगे इसके बाद टोटल, और हर सेट में वेट इंक्रीज करेंगे, 6 to 8 रेप रेंज रखेंगे। मेन सेट है दूसरा। हम बहुत ज़्यादा से वेट नहीं बढ़ा रहे हैं, 5-5 किलो इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव टू ट्रेन लाइक अ बॉडी बिल्डर। एक पावर लिफ्टर की तरह ट्रेन नहीं करना है हमको, बहुत हैवी से इंक्रीज़ करना, ठीक है, वो तो सर रॉनी कॉलमैन है, बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर दोनों के जैसे ट्रेन करते थे। लेकिन वो एक इनहेंस्ड एथलीट वाली बात भी आ जाती है, बींग अ नेचुरल एथलीट आपको अपनी जॉइंट हेल्थ, बींग अ नेचुरल एथलीट आपको अपनी रिकवरी को भी ध्यान में रखना होता है। इसलिए हमको मसल्स पे इनफ स्टिमुलस मिल सके हमको उतना ही ट्रेन करना है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक बॉडी बिल्डर वाली मेंटालिटी लेके ट्रेन करोगे। हमको नेचुरल, नॉट बॉडी बिल्डर, नेचुरल बॉडी बिल्डर वाली मेंटालिटी लेके ट्रेन करोगे। हमको क्वालिटी रेप्स पे ध्यान देना है, हमको अपनी जॉइंट हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, गट हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, और हमको बहुत कम रेट से वेट इंक्रीज करना है। वही मैंने किया है, 5 किलो और बढ़ाऊंगा इसमें। अभी टारगेट है 6 रेप्स का। अब मेरे को स्ट्रैप्स यूज़ करने पड़ेंगे। अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया कि मैं 6 लूँगा या 8 रेप लूँगा, अब जितने भी आ जाएं, क्योंकि लास्ट सेट है, इसके बाद एक ड्रॉप सेट, बस देखो जितने भी आ जाएं। आई एम नॉट गोना रिस्क माय बैक, माय लोअर बैक स्पेशली। ड्रॉप सेट, अब इस ड्रॉप सेट में लेंगे एम रेप, एज मैक्स रेप एज पॉसिबल, क्वालिटी रेप्स। अभी ड्रॉप सेट में मैंने रोमेनियन ले ली, इसके पीछे का रीज़न है, पहले तो ड्रॉप सेट का मतलब समझते हैं, क्यों ऐड करते हैं, एडिशनल स्टिमुलस के लिए। और रोमेनियन भी ऐड करने का रीज़न ये है, कन्वेंशनल में वेट डीलोड हो जाता है ज़मीन पे, तो उतनी देर के लिए आपके मसल पे टेंशन नहीं रहती है। ड्रॉप सेट प्लस कन्वेंशनल, नहीं रोमेनियन डेडलिफ्ट इज इक्वल टू मोर स्टिमुलस। चलो
एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर कि डेडलिफ्ट के बाद लेग एक्सटेंशन, लेग एक्सटेंशन में भी आज मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वाड्स को आप इनफ स्टिमुलस दे सकते हो। और मैं ये भी कहता हूँ कि आप बिना स्क्वाट किए, बिना बारबेल स्क्वाट किए भी अपने क्वाड्स को बहुत बड़ा कर सकते हो, क्योंकि आपके क्वाड्स को नहीं पता है टेंशन किस जगह से आ रही है, सोर्स क्या है, बारबेल स्क्वाट है सोर्स या फिर लेग एक्सटेंशन है सोर्स, स्टेबलाइजिंग मसल वहाँ पे इंगेज हो जाते हैं, ये दूसरा टॉपिक है, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो मैं लेग एक्सटेंशन के लूँगा 5 सेट टोटल, क्योंकि आज हम स्क्वाट नहीं ले रहे हैं। मैंने कल ही बोला था लास्ट सेशन में कि हमको अपने मसल्स को लेंथन में पहले पूरा पुश आउट कर देना है, मैक्स आउट कर देना है, उसके बाद ये शॉर्टन वाली, लेकिन लेंथन में पूरी तरीके से पुश करने के लायक अभी मेरे जॉइंट्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे वर्कआउट को मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जॉइंट हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन आता है मसल बिल्डिंग। कुछ डिसाइड नहीं है कितने रेप्स आएंगे, पर क्लीन जब तक आएंगे तब तक लेंगे, क्योंकि दूसरे सेट्स भी हैं। अब चीट होती इसके बाद दूसरा सेट, 2 प्लेटें इंक्रीज करेंगे। मतलब 2 प्लेट बढ़ाई है। लास्ट सेट, इसके बाद ड्रॉप, और ड्रॉप सेट में एम रैप। प्लान में चेंज है, सिंगल सिंगल लेग करेंगे। वेट कम करके और बस, इस पैर से हो गया। हम इस पैर के बाद ऐसा करके हम ना अपने इम्बैलेंसेस को भी फिक्स कर रहे हैं, स्ट्रेंथ इम्बैलेंस, मसल इम्बैलेंस। तो ये हमने शॉर्टन में अपने क्वाड्स को पूरी तरीके से फेलियर कर दिया है। ये भी इफेक्टिव तरीका है अपने क्वाड्स की बिल्डिंग के लिए। आगे लेंगे लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल, दिस इज माय फेवरेट एक्सरसाइज, क्योंकि इससे मैं कितना भी अपने हैम्स को ट्रेन करूँ अच्छा खासा स्टिमुलस दे दूँ, स्टेबिलिटी है पहली चीज़ तो, मेरी रिकवरी हो जाती है। आज भी टिल फेलियर जाएंगे, 5 सेट्स लेंगे 8 to 12 रेप रेंज में। बहुत बहुत इजीली आया। चलो 11 ले लिए। अब हम धीरे धीरे आखिरी सेट्स की तरफ बढ़ते हुए, और अभी मैं 1 प्लेट इंक्रीज मैंने कर लिया, इसके मैं 10 लूँगा, 10 के बाद थोड़े से चीट रेप्स।
इंक्रीज कर रहा हूँ एक प्लेट और। लास्ट है 8 reps देन ड्रॉप, और ड्रॉप में आई डोंट नो ते आएंगे, पर उसमें थोड़ी सी चीट हो सकती है। थोड़ा सा और ड्रॉप, इसके बाद सिंगल सिंगल रेप भी लेंगे, सिंगल सिंगल लेग से भी लेंगे। मैंने 12 लिए इस पैर से, अब ये वाला पैर मेरा स्ट्रांग है। अभी किसी ने पूछा था मसल इंबैलेंस कैसे फिक्स करें, मेरा क्या है, मेरा जो राइट वाला हैमस्ट्रिंग है वो बड़ा है, लेफ्ट वाला हैमस्ट्रिंग कंपैरेटिवली छोटा है। मैंने क्या किया, अभी सारी एक्सरसाइज करी, आखिरी में मैंने जस्ट टू फिक्स दैट इंबैलेंस, जो कि लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन में सही होगा, लेकिन हम काम अभी से कर रहे हैं। मैंने क्या किया, 12 वीक जो है मेरा लेग लेफ्ट वाला उससे लिए 12 रेप, और 15 रेप राइट वाले में आ जाते, लेकिन मैंने राइट से तब भी 12 रेप लिए। तो ये किस लिए किया, क्योंकि लेफ्ट वाले में इम्बैलेंस, ठीक है, उसको बैलेंस करना है हमको राइट वाले जितना, इसलिए राइट वाले के हमने नंबर ऑफ रेप्स कम कर दिए, और लेफ्ट वाले को ने जितने रेप्स लिए थे उतने ही रेप्स राइट वाले पैर से दिलवाए, समझे। तो ये एक तरीका है, या तो आप नंबर ऑफ रेप्स कम कर दो जो स्ट्रांग पैर है उसका, या तो फिर आप जो वीकर साइड है वहाँ पे नंबर ऑफ रेप्स बढ़ा दो, लाइक 14 में लेफ्ट वाले से लेता और फिर 12 राइट वाले से। इस एक्सरसाइज को मैं करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि हम मेरे एडक्टर्स बहुत वीक है, अरे मेरा लो लेग ही बहुत वीक है यार, एडक्टर्स को क्या ही मैं दोष दूं, सब कुछ ट्रेन करना है शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ। कोई मसल ज्यादा कमजोर है ना, तो उसको प्यार से पुचकार के उसको ज्यादा प्यार दो, ज्यादा मेहनत करवाओ। अभी हम जैसे डॉक्टर को मेहनत करवाएंगे, 3 सेट 1 ड्रॉप सेट इनफ स्टिमुलस क्रिएट कर सकते हैं इस पे, और वही हम करेंगे। 5 सेट नहीं, प्यार देना है, ठीक है, मारना नहीं है। देखो अपर बॉडी की ताकत और लोअर बॉडीज का अपोजिट, मेरे को लोग लोअर बॉडी के लिए बोली करते हैं, मेरे को मजा आता है, मेरे को कुछ बुरा नहीं लगता। हाँ भाई ये क्या हो गया, कुछ गलत लग गया क्या, अभी तो काम ही नहीं कर रहा, यहाँ से होगा क्या, हो गया भाई, अरे प्रकाश कुछ गलत हो गया इस मशीन में। तो ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच हमारी जो मशीन है एडक्टर्स की वो काम नहीं कर रही है, उसमें कुछ केबल उतर गया है, उसकी पुली जो होता है ना वो रिंग गोल गोल उसके ऊपर से अभी, लेकिन हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं, आज ऐसा लग रहा है कि मेहनत कम हुई है, एट द सेम टाइम क्योंकि हमने स्क्वाट नहीं करी इसलिए ऐसा लग रहा है मेहनत कम करी है। तो हमको मेहनत भी ज़्यादा करनी है, एट द सेम टाइम हमको जॉइंट्स पे भी ध्यान देना है। तो अब ज़्यादा मेहनत करने के लिए हम करेंगे ठेला ठेलना, इसको कहते हैं स्लेज पुश। चलो दिखाता हूँ सीधे, अभी ये जो एक्सरसाइज मैं करने जा रहा हूँ ये स्लेज पुश है, इसमें आपका ग्लूट्स हैम्स एडक्टर्स सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाती हैं, सब बायस हो जाता है, सब पे स्टेबलस आता है। अब ये पूरी तरीके से तो नहीं कहेंगे कि अडक्शन अबडक्शन का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन हमको मेहनत भी ज़्यादा करनी है, और हमको हमारे सारे जितने भी लेबर और वर्कर क्लास के लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट में ये एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा पुश करके उनको दिमाग में रखोगे तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा पुश करोगे। जय बजरंग बली, आज मैं भी उनकी रिस्पेक्ट में। ये देखो पोजीशन इसमें ये रहती है, क्वाड्स पुश कर रहे हो तो वहाँ पे आपके ग्लूट्स तमाम चीज़ें इवन लोअर बैक भी, 4 बार ठेल के देखना मजा आ जाएगा। आपके को काव्स भी, ये एक्सरसाइज बाबा अनदर लेवल टेंशन देती है।
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मरा जा रहा है। अब वर्कआउट हमारा खत्म होने को आ गया है। ये जो स्लेच पुश किया इसके साथ अब ट्राई सेट में स्लेच पुश पहली, दूसरी ये अपने एब्स, और एक एक्सरसाइज और लेंगे हम, या तो काफ रेजेस, नहीं काफ पे इनफ स्टिमुलस है, टो रेजेस लेते हैं। काफ तो इसमें अच्छे खासा इंगेज हो जा रहा है, टो रेजेस लेंगे 15 रिप्स। इसमें काउंटलेस रिप्स होंगे क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारे स्लो पिच मसल फाइबर है ना वो बहुत ज़्यादा है, वो हायर रेप रेंज में स्टिमुलेट होते हैं। वापस से स्लेच पुश, अभी इसमें 2-3 राउंड ही लगेंगे, बट लुक एट द इंटेंसिटी। हे भगवान, सैल्यूट है भाई सारे जवानों को, सारे किसानों को, सारे वर्कर क्लास लोगों को। सच में अभी तक हाफना बन नहीं हुआ मेरा, समझ रहे हो आप। और ये लोग दिन दिन भर पुश करते हैं, शायद इतना वेट ना होता हो लेकिन इसका आधा भी अगर कर लें और दिन भर पुश करें तो मैं बता रहा हूँ उस बंदे से लंबी उम्र किसी की नहीं है और उस बंदे से ज़्यादा तंदुरुस्त फिट कोई नहीं है, भगवान कसम से। इसलिए ये लोग खुश भी ज़्यादा रहते, दिन भर मेहनत करके आखिरी में सूखी रोटी खा लेना, ठीक है, दिन भर मेहनत करना, सूखी रोटी खा लेना और सो जाना। अब सोचो इनको अच्छा न्यूट्रिशन दे दें, वहीं पे वे प्रोटीन दे दें, जो खाना चाहते हैं अच्छे न्यूट्रिशन में, मज़े आ जाएंगे भाई, मज़े आ जाएंगे। मैं अपने घर का काम करवा रहा हूँ, वहाँ पे जो लेबर सर काम कर रहे हैं वहाँ पे जितने भी हैं वो सब बोलते हैं भैया हमको 100-100 रुपए ऊपर दे दिया करो, हमको अद्धा पीना रहता है। इनको समझाता हूँ भाई फ्रूट्स खा लिया करो यार, वे प्रोटीन, अंडे वंडे खा लिया करो, अद्धा पीना क्या होता है। लेकिन वो अद्धा अंडे के साथ खाते हैं, अंडा उनका चकना है। दोनों जगह प्यार बराबर मिलना चाहिए ना। तो मैं ये कह रहा था कि ये आई एम डन विद दिस एक्सरसाइज, क्लच पुश बहुत हो गया। अभी ये दो सेट, जो दूसरा सेट था उसमें खतरनाक स्टिमुलस आया है, ले लेंगे एक सेट और, चलो लेते हैं। आ रहा हूँ वापस भी आ रहा हूँ भाई, वजन ज़्यादा ले लिया यार, लेकिन करेंगे, ये पैर भर गए लेकिन दिल नहीं भरा है। अब पैर भी भर गया, दिल भी भर गया, अरे इसको रैक करना, इसको रैक भी करना है। द वर्कआउट इज़ डन, घर चलो, बहुत तेज़ भूख लगी है। ये प्लेट रैक करने में मुझे समझ में आ गया कि वो आखिरी जो मैंने स्लेज पुश का ले लिया ना सेट, वो नहीं लेना चाहिए था। बड़ी पीड़ा हो रही है अब मेरे को ग्लूट्स में, अडक्टस अडक्टस सब एकदम राम राम बोल गए, ठीक है। अब
इनकी रिकवरी अच्छी तगड़ी। और सबसे बड़ी खुशी की बात पता है क्या है, वो ये है कि मेरे नीज पे आज उतना ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ा है, तो नीज़ को अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा रिकवर होने में। शायद अगला वर्कआउट भी मैं थोड़ा सा लाइट करूँ, नहीं लाइट नहीं करूँ, नीज़ के ऊपर ऐसी मूवमेंट्स ना लूँ जो नीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस डालें। ठीक है, वर्कआउट तो हैवी आज का भी हुआ था, ये स्लेज पुश बाप रे बाप, कसम से। आखिरी में हमारे सभी उन भाइयों के लिए जो इतनी मेहनत करते हैं उनके लिए सैल्यूट निकलवा दिया स्लेज पुश ने। वैसे तो मैं इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता ही हूँ, लेकिन आज वो चीज़ करने के बाद वो रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। ये आ रहा है मास आ रहा है भाई। उतनी तीव्र गति के साथ नहीं आ रहा है, पर आ रहा है। आप ये विटनेस करोगे पूरी जर्नी। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। और हमारा ये शायद अब 14th होगा एपिसोड जिसमें ये डलेगा। अरे यार, मैं नंबर क्यों भूल जा रहा हूँ। जो भी होगा, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये यात्रा बहुत लंबी है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और मेरे साथ संघर्ष करो भाई। बस अब मैं जा रहा हूँ, मेरा ये शाम का टाइम हो गया है मम्मी के साथ वॉक करने, और इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं हम ख़त्म। कोई सवाल हो अगर आपके मन में तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और उसको मैं आपको पता ही है कितना डिटेलिंग के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, तो यस कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। चलो राम राम। जब इंदौर आए थे तब जैसी सर्दी अब पड़नी चाहिए, वैसी सर्दी इंदौर में पड़ती नहीं है। तो सर्दी पड़ती ना, गर्मी पड़ती ना, बारिश होती है, सब ये एनवायरनमेंट खराब हो गया है। आपको मालूम है 3-3 degrees गया इंदौर का टेम्परेचर जब आए थे तब। अब तो -2 में रहे ना अम्बाला, और वहां पे अम्बाला में -2 जाता था, -1 सच में। उंगलियां जम जाती थी भाई साहब, ऐसी उंगलियां जम जाती थी। सत्यम की सत्यम के पैर गर्म पानी में डालना पड़ता, टेढ़ी हो जाती थी। हमारे जो केंद्रीय विद्यालय के जो जूते थे ना, उनकी क्वालिटी भी कोई बहुत अच्छी रहती नहीं थी, ठीक है, और वो आगे से फट जाते थे फुटबॉल खेलने में। अब जब आगे से जूते फटे तो अंगूठा हमारा बाहर आ जाया करता था, जब अंगूठा बाहर आ जाया करता था तो शरद एकदम ठंडी चले, अब मोजा कितना ही संभालेगा, मतलब तो हमारी उंगलियां जम जाती थी, और फुटबॉल खेलना भी जरूरी था। उंगलियां तो तुम्हारी एक महीने में निकल आती थी बाहर जूते में से, और चाहे जितनी गारंटी वारंटी लो उंगली बाहर ही रहती थी। गारंटी वारंटी नहीं मम्मी, उस समय जूते अजीब सस्ते थे, वो बहुत बेकार क्वालिटी के रह रहे करते थे। कोई नहीं, सत्यम के पास ना तो पैंट शर्ट की जेब उखाड़ के पैंट की जेब में रख के लाता था। इतने बदमाश बच्चे कहाँ से कंपनी चलेगी। आए तो उसको हमेशा सिलाई मार मार के उसका शर्ट की जेब सिलना पड़ता था, तो दो तब जाके मिलता था जेब उसके अंदर। ऐसा करता था था एकदम दुबला पतला, पहले तो मोटा था लेकिन दुबला पतला था जब तो थर्ड फोर्थ में। मस्त चाय पी रही है मेरी माँ एकदम सर्दी के मजे लेते हुए। ये तेरी वाली मस्त है। क्या मेरे को रोस्ट करने बैठी है क्या बगल में। हाँ मस्त चाय पी रहे, जैसे मेरे वाले ज्यादा पैसे दे के आए। बस कर दी बेइज्जती। पी रहा है वही वाली मेरी ना। अरे मैं बोल रहा हूँ कि मेरी माँ मस्त एकदम सर्दी में कार में बैठ के चाय पी रही है, ऐसे तारीफ कर रहा हूँ एकदम गरम गरम। चलो टाटा करो।